Hello guys welcome to my YouTube channel English World but there are so many guys are not able to get my channel English World to watch my videos but now you can get it you just need to search my channel English World Akshay Arya with my name and I am sure you will be able to get my channel so guys do subscribe share and like my videos so guys thank you very much and today's our topic is present perfect tense so guys let's get started with me hello guys first of all we just need to know about identity of present perfect tense तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले आइडेंटिटी इट मीन्स पहचान जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है चुके हैं चुका हूँ चुके हूँ या यी, ये या हूँ ये है आ हूँ ये सारे सेंटेंसेस इन्हीं सबसे एंड होते हैं और इस टेंस के वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि कोई कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है मतलब हाल ही में हुआ हो वो कार तो हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेसों की मदद से जैसे कि पहला सेंटेंस है इसमें फर्स्ट सेंटेंस मैं अपना ग्रहकार कर चुका हूँ इसमें बताया जा रहा है कि उसने अभी ग्रहकार अपना कंप्लीट किया हुआ है सेकेंड सेंटेंस देखते हैं मैंने आपको नहीं पहचाना जैसे कि हम किसी से मिले तो हम उससे हमने उससे बात की तो हम उससे बोलते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं तो इससे पता चलता है कि वो सेंटेंस हाल मतलब कि तुरंत ही समाप्त हुआ है तो हम ए, तो हम इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं चुका है चुकी है अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या तुमने स्नान कर लिया है ये भी एक कौन सा सेंटेंस है चुका है चुकी है वाले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं तुमने उसे क्या दिया है तुमने उसे क्या दिया है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अब हम फाइव फिफ्थ देखते हैं क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है इसमें भी किस किस चीज़ की बात हो रही ताजमहल देखने की ये पूछ रहे कि आपने कभी ऐसा किया है क्या? तो मतलब कि किसी काम को पूरा हो जाने की बात बताई जा रही है इसमें तो ये भी परफेक्ट टेंस का ही है तो अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं तो चलिए हम देखते हैं उन्हें तो वह इस सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला रूल्स को देखते हैं इसमें हम सबसे पहले सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको रूल्स फॉलो करना पड़ता है वो है ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको कोई भी काम दिख रहा है प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो अगर आपको काम दिख रहा है कि वो कोई काम हो चुका होता है हो चुका था हो चुका है या फिर हो चुका होगा तो हम उसमें सभी में, में वर्ब की फॉर्म यूज़ ज़रूर करते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं अब चलिए हम सेंटेंसेस की मदद से कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आज मैंने एक हवाई जहाज़ देखा है आज मैंने एक हवाई जहाज़ देखा है तो इसमें हम टुडे लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि आज की इस पहले है टुडे सबसे पहले लिखेंगे फिर अब हम बनाएंगे इसको सेंटेंस मैंने एक हवाई जहाज़ देखा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मैंने यानी आई हैव सीन एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज़ देखा है तो इसमें एन एरोप्लेन लगेगा और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैज हैव है लगता है तो इसमें हमने आई के साथ हैव का यूज़ किया अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं बिजली भाग गई अक्सर घरों में बिजली भाग जाती है मतलब चली जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ग आउट तो इसमें हम देखते हैं बिजली क्या है इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हमने हैज और हैप का यूज किया उसके बाद हमने, बाद हमने आउट। गोन आउट गौन मतलब थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन फिर उसके बाद आउट का यूज किया क्योंकि गोन आउट मतलब चली गई अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस पुलिस चोर को पकड़ चुकी है पुलिस चोर को पकड़ चुकी है द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ पुलिस क्या कर चुकी है चोर को पकड़ चुकी है तो द पुलिस के बाद हमने हैज का यूज किया कॉट ये थर्ड फॉर्म है द थीफ हमारा चोर है द पुलिस हैज कॉट द थीफ तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसने अखबार फेंक दिया उसने अखबार फेंक दिया अब इसमें हम देखेंगे ही और शी लिखा हुआ है इसमें से दोनों में से क्या आएगा तो इसमें से ऐसा है कि उसने अखबार फेंक दिया हमें नहीं मालूम है कि अखबार किसने फेंका इसमें मेल है या फीमेल है इसलिए हमने ही श्लस सी लिखा हुआ है तो देखेंगे ही और शी में कुछ भी लिखेंगे अपन फिर फिर उसके बाद हैज़ थ्रोन द न्यूज़ पेपर हैज़ इसमें क्यों लगाया है क्योंकि ही और शी के साथ हैज लगेगा और थ्रो थ्रो मीज फेंकना तो उसकी थर्ड फॉर्म हुई थ्रोन तो फिर उसके बाद लगेगा द न्यूज़ पेपर तो हम बना सकते हैं इसको ही हैज़ थ्रोन द न्यूज़ पेपर या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं सी हैज़ थ्रोन द न्यूज़ पेपर तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है कुणाल ने अपनी सफेद कार बेच दी तो हम बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है कुणाल तो कुणाल कौन है सिंगुलर तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे हैज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेल सेल में होता है बेचना और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इज सोल्ड तो हमने इसमें लिखा सोल्ड कुणाल हैज़ सोल्ड हिज़ वाइट कार हिज़ वाइट कार मतलब क्या होता उसने अपनी कार बेच दी तो अपने के लिए हिज़ लगाया उसने तो कुणाल हैज़ सोल्ड हिज़ वाइट कार नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वर्ब से पहले नोट लगाते हैं चलिए देखते हैं कैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस हैज़ और हैप को लिखते हैं प्लस नोट लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आज राहुल आज राहुल स्कूल नहीं गया है आज राहुल स्कूल नहीं गया है तो आज के लिए हम टुडे की टुडे का यूज़ करेंगे और फिर तो उसके बाद राहुल स्कूल नहीं गया है तो हम बनाएंगे राहुल स्कूल नहीं नहीं गया है तो इसकी क्या होगी राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल इस इसमें देखिए राहुल के बाद हैज़ लगा है और वर्व की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट का यूज़ हुआ है गो गोमीज जाना वेंट वेंटमीज गया और गोनमीज जा चुका तो देखिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट का यूज़ किया है ओके okay, तो हमारा सेंटेंस बनता है टुडे राहुल हैज़ नॉट गोन टू स्कूल अब सेकंड सेंटेंस मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है तो हम इसको बनाएंगे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल नेवर मीन्स कभी नहीं तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल इसमें हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं और नेवर का यूज़ कब हुआ है सीन सीन मीन्स क्या है ये वर्व वर्व की थर्ड फॉर्म है तो वर्व की थर्ड फॉर्म के पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने नेवर का यूज़ कर दिया ओके okay, अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया द सर्वेंट हैज़ नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट इसमें देखिए ब्रॉट से पहले क्या लगा है नोट क्योंकि बॉट ब्रॉडमीस खरीदना तो ये थर्ड फॉर्म है तो इसके पहले हमने नॉट का यूज़ किया है तो हमारा सेंटेंस बनता है द सर्वेंट हैज़ नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट अब हम देखते हैं फोर्थ वह है? अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है तो इसको कैसे बनाए भाई अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचा ही हैज़ नॉट रिज्ड रेलवे स्टेशन येट येट मीन्स अभी तक अभी तक के लिए हम इसमें यूज करेंगे येट तो देखिए हमने इसमें नॉट का यूज कब किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले रीच मीस पहुँचा ना रीच्ड रीज मीस पहुँचा तो इसमें थर्ड फॉर्म तो ही हैज़ नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट मतलब अभी तक अब हम देखते हैं फिफ्थ तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है यहाँ कोई नहीं आया है तो हम इसको बनाएंगे। नो वन हैज कम है यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉट का यूज़ नहीं हुआ है इसमें नॉट का यूज़ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है कोई नहीं के लिए हमने नो no वन का यूज़ किया है तो इसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता है नो वन हैज कम है और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमने हैज का यूज़ किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कम देखिए फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कम की कम होती है और सेकेंड फॉर्म केम होती है और फर्स्ट फॉर्म कम होती है मतलब कि फर्स्ट फॉर्म कम सेकेंड फॉर्म केम थर्ड फॉर्म कम तो हमने इसके पहले क्या लगाया है? इसमें हैज और हमारा पूरा सेंटेंस बनता है नो वन हैज कम है यह कोई नहीं आया है अब हम देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो चलिए आइए हम देखते हैं अगर स्टार्टिंग सेंटेंस में शुरुआत में वाक्य में क्या आ रहा है मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको बनाने के लिए सबसे पहले हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं कैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले लगाया हैव हैव यू एवर सीन द ताजमहल एवर मीन्स क्या होता है कभी तो हैव यू एवर सी द ताजमहल हमने देखी हैप के बाद यू का यूज़ किया यू किया सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन फिर द ताजमहल ओके तो अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं तो क्या के लिए हम सबसे पहले हैज का यूज़ करें क्योंकि दास्ट दा द दा टीचर द टीचर कौन है हमारा सिंगुलर तो हैज द टीचर रीज इन द्लास रीच्ड रीज मीज़ क्या होता पहुँचा रीज मी सु पहुँचना और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिज्ड इन द क्लास तो हमारा सेंटेंस होता है बनता है हैज़ द टीचर रीच्ड इन द क्लास अब थर्ड सेंटेंस क्या तुमने नया मोबाइल खरीदा खरीद लिया है क्या तुमने नया मोबाइल ख़रीद लिया हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे हैव उसके बाद हम सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या है यू फिर उसके बाद हम बॉट बाय बायूदा ख़रीदना बॉट मी सूती कि इसकी थर्ड फॉर्म तो हैव यू बॉट आ न्यू फोन आ न्यू फ़ोन मतलब या फिर आ न्यू मोबाइल तो हम इसको बोलेंगे हैव यू बॉट आ न्यू मोबाइल ओके क्या तुमने एक नया मोबाइल ख़रीद लिया है अब हम देखते हैं फोर्थ क्या तुमने वह कार बेच दी है क्या तुमने वह कार बेच दी है हैव यू सोल्ड द कार हैव यू सोल्ड द कार इसमें देखिए यू के साथ हमने हैव का यूज़ किया क्योंकि प्लूलर है सेल सेल में सुधर है बेचना सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड तो हम इसको बनाएंगे हैवी सोल्ड द कार अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस क्या सूरज पूरब में निकल चुका है तो देखिए हैज द सन राइज इन इन द ईस्ट हैज द सन दन इन द ईस्ट राइज निकलना इसमें राइज इन हो गई इसकी थर्ड फॉर्म इन द ईस्ट और देखिए द सन के आगे हमने क्या लगाया हैज क्योंकि द सन क्या है एक मतलब सिंगुलर हैज दन राइज इन इन द ईस्ट अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसको देखने के लिए इसको जानने के लिए हम देखते हैं पहले फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो कुछ भी बचता है ए टी सी वो लिखेंगे तो चलिए हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं आज तुमने स्कूल में क्या देखा आज तुमने स्कूल में क्या देखा तो आज के लिए हम टुडे लगाएंगे यूज़ करेंगे फिर उसके बाद आफ्टर दैन वी विल यूज़ हेयर तुमने स्कूल में क्या देखा वॉट हैव यू सीन इन द स्कूल तो हम देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लिखा है वॉट तुमने स्कूल में क्या देखा तो क्या की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे वॉट फिर उसके बाद आफ्टर दैन वी विल यूज़ हेयर हैव और हैज़ तुमने इसमें, इसमें यूज़ किया हैव फिर उसके बाद यू फिर उसके बाद सीन इन द स्कूल सीन इसमें क्यों लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है सी ही देखना और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सीन तो ये हमारा सेंटेंस बनता है टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं आज पहले घंटे में कितने सॉरी किसने पढ़ाया है आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है हु हैज़ टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे हु हैज़ टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे इसमें देखिए किसने पढ़ाया तो किसने के लिए क्या होता हु तो हम सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे हु फिर आफ्टर देन वी विल यूज हेयर हैज और हैफ तो हमने इसमें यूज़ किया हैज़ वी हैज़ टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस यह सब किसने किया है यह सब किसने किया है हु हैज डन ऑल दिस ऑल दिस मतलब यह सब हु मीन्स क्या होता किसने मतलब कौन तो हु हैज डन ऑल दिस ओके अब हमारा ये सेंटेंस बन ये बन चुका है अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस तुमने यह सौ का नोट किससे लिया है तुमने यह सौ का नोट किससे लिया? किस लिया तो उसमें देखिए आता है इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है किससे किससे को हम किससे बनाएंगे होम किससे की मीनिंग क्या लगेंगे होम होम हैव यू टेकन दिस हंड्रेड रुपीज़ नोट अब देखिए होम के बाद हमने हैव का यूज़ किया ओके फिर उसके बाद हमने इसमें यूज़ किया सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यू उसके बाद हमने वर्क की थर्ड फॉर्म की का यूज़ किया टेक मीन्स होता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेक इन दिस हंड्रेड रुपी नोट तो हमारा सेंटेंस होता है होम हैव यू टेक इन दिस हंड्रेड रुपी नोट ओके अब हम देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस आपको यह सौ रुपये का नोट किसने दिया है आपको यह सौ रुपये का नोट किसने दिया है तो किसने के लिए इसमें यूज़ हुआ है हु हैज गिवेन यू दिस हंड्रेड रुपी नोट तो इसमें देखिए यू यू है तो हमने इसमें हैज़ का यूज़ किया हैज़ गिवेन यू दिस हंड्रेड रुपीज़ और उसमें गिव गिफ्ट में सुधर देना तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है गिविन हु हैज़ गिवेन यू दिस हंड्रेड रुपी नोट ओके और हु, और हु के साथ हम इसमें हैज़ का यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है हु हैज़ गिवेन यू दिस हंड्रेड रुपी नोट तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म हुए हैं क्वेश्चन वर्ड वाले अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आइए चलिए देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वाक्य में क्वेश्चन वाक वर्ड भी रहे और नकारात्मक वाक्य भी रहे तो चलिए आइए हम पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं फिर हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस हैज़ या फिर हैव लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस नॉट का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन जो कुछ भी हमारा लास्ट में बचता है फिर हम उसको लिखते हैं तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है तो इसमें पूछ रहे हैं क्यों क्यों नहीं खरीदी तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे वाई एंड देन फिर हम इसमें यूज करेंगे हैज़ या फिर हैव तो हमने इसमें, इसमें यूज़ करेंगे हैज़ क्योंकि ये सिंगुलर है ही तो वाई हैज़ ही नॉट फिर हम इसमें क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही इसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं वाई ही हैज़ नॉट वाई सॉरी सॉरी वाई हैज़ ही नॉट बॉट आ न्यू कार बाय मीस होता है खरीदना और बॉट बॉटम्यूस होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक तो है तो वाई हैज ई नॉट बॉट अ न्यू कार अब हम देखते हैं सेकेंड सेंटर सेंटेंस मास्टर जी ने उसे फटकार क्यों नहीं लगाई है इसमें मास्टर जी ने उसे तो फटकार क्यों नहीं लगाई है तो हम लिखेंगे इसमें क्यों नहीं लगाई तो वाई वाई हम इसमें सबसे पहले यूज करेंगे वाई हैज़ द टीचर नॉट रिबकड हेम इसमें रिबकड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म हेमस होता है उसे तो हम इसमें यूज़ करेंगे वाई हैज़ द टीचर नॉट टीचर के बाद तुरंत बाद हम इसमें नॉट का यूज़ करें तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनता है वाई हैज़ द टीचर नॉट रिबकड हिम मास्टर जी से फटकार क्यों नहीं लगाई है मास्टर जी ने उसे तो फटकार क्यों नहीं लगाई अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस उस लड़के ने यह नोवेल क्यों नहीं पढ़ा है उस लड़के ने यह नोवेल क्यों नहीं पढ़ा है तो हम क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई फिर so, उसके बाद हम हैज़ ए हैव का यूज़ करेंगे तो इसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि बॉय क्या है सिंगुलर तो वाई हैज़ दैट बॉय अब इसमें क्या है उसने नहीं पढ़ी है, तो हम इसमें नॉट का यूज़ कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई हैज़ दैट बॉय नॉट रीड दिस नो वर्क इसमें रीड को हम रेड बोलेंगे ओके okay? अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस उस लड़ उस लड़की ने इस कमरे में डांस क्यों नहीं किया है उस लड़की ने इस कमरे में डांस क्यों नहीं किया है क्योंकि क्या लिखेंगे हम सबसे पहले वाई फिर लिखेंगे हैज फिर लिखेंगे दैट गर्ल मतलब उस लड़की ने इसके बाद हम क्या लिखेंगे नॉट क्योंकि ये दैट गर्ल क्या है सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वाई हैज़ दैट गर्ल नॉट डांसड इन दिस रूम डांस मीन्स थर्ड थर्ड फॉर्मेंस में यूज़ हो गई है डांस ई डी लग गया अब हम देखते हैं किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी हैं किसने दुकान से नहीं खरीदी तो हु के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं हु हैज़ नॉट बॉट दिस बुक दिस बुक्स from द शॉप इसमें बाय मीस होता है ख़रीदना और बॉट मीस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा हैज नॉट बॉट दिस बुक द बुक फ्रॉम द शॉप तो किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी हैं ओके तो गाइस आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो सेंटेंस के ऊपर तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर लिंक से उसको देख सकते हैं Dr. Killy, thank you. And I hope now you have learned something. Thank you very much. And thanks for watching.